तो आज के इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं गेमिंग की दुनिया में यूज होने वाले टॉप 5 बेस्ट माउस के बारे में। तो अगर आप एक गेमर हो और अभी तक आपने कोई भी अपना गेमिंग माउस परचेस नहीं किया है और आप यहाँ पर परचेस करने की सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि अपन को कौन सा गेमिंग माउस परचेस करना चाहिए, खास करके फ्री फायर एंड अदर गेम्स के लिए। अगर आप यहाँ पर फ्री फायर पीसी पर खेलते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे माउस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि स्पेशली अपने फ्री फायर के अंदर यूज होते हैं, यानी कि भाइयों इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑटो हेडशॉट के शौकीन हो और अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आपके हेडशॉट वगैरह ऑटोमेटिकली लगे, तो ये वाले माउस आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया माउस हो सकते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी आपको इस वाले वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप यहाँ पर गेमिंग से रिलेटेड न्यूज वगैरह अपडेट वगैरह और इसी के साथ में गेमिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह जानना चाहते हो तो अभी के अभी इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर एक पर आता अपना Logitech G Pro वायरलेस गेमिंग माउस। ये वाला माउस यहाँ पर बात करेंगे तो हाई सेंसर वाला माउस है और उसी के साथ में एक टाइम पहले ये वाला माउस अपने इंडिया के अंदर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। ये वाले जितने भी माउस थे वो वेस्टर्न कंट्री में मिलते थे और यूरोप में इसका काफी ज्यादा यूज होता था, लेकिन अभी के लिए ये वाला माउस अपने इंडिया के अंदर अवेलेबल है और आप यहाँ पर Amazon से इस वाले माउस को परचेस कर सकते हो। लेकिन भाई अपने यहाँ पर बात करें इस वाले माउस की क्वालिटी के बारे में, तो इस वाले माउस की क्वालिटी के बारे में बात ना करो तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये वाला जो माउस है वो एकदम बीस्ट माउस है और इससे अच्छा आपको माउस कभी भी मार्केट में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस वाले माउस की DPI के बारे में बात करेंगे तो इसमें अपन को 25,000 से ऊपर तक का DPI मिल जाता है और उसी के साथ में अपन को हीरो का सेंसर मिल जाता है। और आपको ही पता होगा कि भाई गेमिंग के अंदर हीरो के सेंसर वाले माउस कितने ज्यादा, मतलब बात करेंगे तो यूज होते हैं और कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस अपन को देते हैं। और उसी के साथ में जो G Pro वायरलेस माउस है वो एकदम बात करेंगे तो वायरलेस है और खास करके e-sport प्लेयर के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से अगर आपका यहाँ पर बजट है 10,000 रुपए तक का तो आप इस वाले माउस को परचेस कर सकते हो। ये वाला माउस काफी ज्यादा बढ़िया माउस है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नंबर दूसरे पे आता है Logitech G402 माउस। ये वाला माउस भी अपने गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बढ़िया माउस है, लेकिन ये वाला माउस बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और हाथ भी अपना एकदम बात करेंगे तो एकदम बड़ा बड़ा लगता है। लेकिन इस वाले माउस के बारे में बात करेंगे तो इसमें अपन को 4,000 का DPI मिल जाता है और उसी के साथ में सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो आपको पता है कि Logitech के जितने भी गेमिंग माउस आते हैं उन सभी के साथ में अपन को सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। तो उसके अंदर से अपन यहाँ पर DPI वगैरह RGB वगैरह जो भी अपन को चेंज करना होता है वो अपन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जरिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ पर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो अपन को 2100 रुपए से 2200 रुपए के बीच में ये वाला माउस मिल जाता है। आप इजीली आप यहाँ पर Amazon पे जाके इस वाले माउस को परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाला माउस काफी ज्यादा हैवी माउस है और हैंडी माउस तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला, क्योंकि ये वाला माउस काफी ज्यादा लंबा है और वायर्ड है। अगर ये वाला माउस अगर वायरलेस होता तो अपन को ये वाला माउस काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता था, लेकिन ये वाला माउस है वायर्ड माउस तो इससे यार ये वाला माउस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके साथ में जाना चाहते हो तो आप भले ही जा सकते हो। नंबर तीसरे पे आता है Logitech G102 माउस। ये वाला माउस मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट माउस है और आज के टाइम में इसी वाले माउस को मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला माउस एकदम हैंडी माउस है, एकदम लाइट वेट माउस है और उसी के साथ में अपन को इस वाले माउस के साथ में 8,000 तक का DPI मिल जाता है, यानी कि भाई बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसी के साथ में सबसे बढ़िया बात है एकदम हल्का सा माउस है, मतलब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप इस वाले माउस को यूज करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। इसमें अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बढ़िया गेमिंग सेंसर मिल जाते हैं और इसका जो प्राइस है वो भी मुझे काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली लगा है। अपन को यार 1500 रुपए तक में ये वाला माउस मिल जाता है और उसी के साथ में अपन को इसमें RGB भी मिल जाती है। अपन यहाँ पर इस वाले RGB को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं और उसी के साथ में इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाता है। अपन सॉफ्टवेयर के जरिए इसका DPI सेंसिटिविटी और उसी के साथ में RGB वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला माउस मेरा काफी ज्यादा बेस्ट माउस है और उसी के साथ में ये वाला माउस फ्री फायर में काफी ज्यादा यूज होने वाला माउस है। नंबर चार पर आता है Redgear A20 वायर्ड गेमिंग माउस। ये वाला माउस मेरा ओल्ड माउस है और मैं ओल्ड जमाने में इसको बहुत ज्यादा यूज करता था। उस टाइम पे मैंने Redgear का पूरा कॉम्बो खरीदा था, उसमें मुझे कीबोर्ड एंड माउस दोनों साथ में मिला था। तो मैंने इस वाले माउस को और इसके कीबोर्ड को मैंने लगातार 1 साल तक यूज किया है और मुझे इसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने इस वाले माउस को आपके लिए यहाँ पर ऐड किया है। और ये वाला माउस काफी ज्यादा बढ़िया माउस
माउस है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या है कि इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है वो अपन को बहुत ही गंदा सा मिलता है, यानी कि अगर आप यहाँ पर अपने पीसी को स्विच ऑफ कर दोगे और उसके बाद में स्विच ऑन करोगे यानी कि रिस्टार्ट करोगे तो आपने जितनी भी सेटिंग की होती है वो सारी सेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है, आपको फिर से बेई की बेई सेटिंग यहाँ पर आपको फिर से करनी पड़ती है। तो इस तरह से इसका जो अपन को सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है वो एकदम घटिया से घटिया सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो लॉजिटेक का जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है वो अपन एक बार कोई भी सेटिंग कर लेंगे तो वो अपन को लाइफ टाइम के लिए मिल जाते हैं और कभी भी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती है। लेकिन जो रेड गियर का A20 माउस है उसके अंदर से ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो ये वाला माउस काफी ज्यादा बढ़िया माउस है, क्योंकि ये वाला माउस एकदम बजट फ्रेंडली है और 600 रुपए तक में ये वाला माउस अपन को मिल जाता है। नंबर 5 पे आता अपना छोटू माउस, जिसको अपन लॉजिटेक M235 वायरलेस माउस भी कहते हैं। ये वाला माउस मेरा बहुत ही ओल्ड जमाने का माउस है, यानी कि भाई जब मैंने नया नया पीसी लिया था तब मैं ये वाला माउस यूज करता था। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता रहता था कि भाई माउस के अंदर DPI भी होता है, तो मैं ये वाला माउस यहाँ पर मार्केट से लाया था। मैंने इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया है क्योंकि इसमें अपन को डिफॉल्ट 1000 DPI मिल जाता है, यानी कि भाई 1000 DPI मिल जाता है, आपको चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर 1000 DPI में अच्छे से अच्छे हेडशॉट वगैरह लगा सकते हो अगर आप यहाँ पर फ्री फायर खेलते हो। तो ये वाला माउस भी काफी ज्यादा बढ़िया माउस, एकदम हैंडी माउस है और बहुत ही ज्यादा छोटा सा माउस है। इसमें क्या है कि इसमें अपन को बैटरी लगानी पड़ती है, यानी कि भाई जो सेल वगैरह होते हैं उससे ये वाला माउस चलता है। तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा बेकार सा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया था, यानी कि भाई एक महीने में एक बैटरी खा जाता था। इसमें लिख के आता है कि 12 मंथ तक एक बैटरी चलेगी, लेकिन मेरी 1 से 1.5 महीने में बैटरी खत्म हो जाती थी और माउस के जो क्लिक होते थे वो कम काम करने लगते थे, तो मुझे समझ में आ जाता था कि भाई इस माउस का बैटरी चला गया है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इस वाले माउस के साथ में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। मैं इसके साथ में आपको एक टिप्स भी दूंगा कि आप इसके साथ में रिचार्जेबल सेल को यूज करना, क्योंकि जैसे ही आपका माउस डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसके सेल को यहाँ पर निकाल के उनको फिर से चार्ज करके फिर से इस वाले माउस में यूज कर पाओ, तो इससे आपका बैटरी का जो खर्चा होगा वो बच जाएगा। तो आप यहाँ पर रिचार्जेबल सेल यानी कि भाई रिचार्जेबल बैटरी का यूज करना अगर आप इस वाले माउस को लेते हो। तो इस तरह से मैंने आपको गेमिंग के लिए खास करके फ्री फायर के लिए टॉप 5 बेस्ट गेमिंग माउस बता दिए। अब बात आती है कि आपको कौन सा माउस यूज करना चाहिए। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था लॉजिटेक जी प्रो वायरलेस गेमिंग माउस, उसको तो कभी भी यूज मत करना क्योंकि वो वाला 10,000 रुपए तक का आता है, तो आपको उतना बजट नहीं है तो आप अभी मत लो। लेकिन आप जाओ लॉजिटेक G102 माउस के साथ में। ये वाला माउस फ्री फायर के लिए और अदर गेमिंग के लिए भाई काफी ज्यादा उपयोगी माउस है, यूजफुल माउस है, और उसी के साथ में यूट्यूबर्स वगैरह भी इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि भाई बहुत ही ज्यादा यूट्यूबर्स, मैं किन किन का नाम लू यार, तो इस तरह से आप यहाँ पर लॉजिटेक का G102 माउस परचेस कर लो। लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप रेड गियर का A20 माउस परचेस कर लो, 600 रुपए में ये वाला माउस आ जाता है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस ये कहूंगा कि आपने कौन सा माउस सेलेक्ट किया है वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सा माउस खरीदने जा रहे हो। तो बस यार इतना बता देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.